नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी एक खबर जानकारी दिया था कि खेसारी लाल यादव का बॉलीवुड और पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल यानी कि टी सीरीज पर कमरिया कोका कोला गाना आने वाला है और उस गाने का फर्स्ट लुक आप सभी के बीच रिलीज कर दिया गया है। हालांकि गाना कब रिलीज किया जाएगा इसका कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं आया है, लेकिन इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन थी, जो भी जानकारी थी, मैं आपको साझा कर चुका हूँ। इसी बीच खेसारी लाल यादव ने अपने दर्शकों के लिए, अपने के लिए एक बड़ी खुशखबरी दे दिया है और बड़ी खुशखबरी यह है कि खेसारी लाल यादव का नयका वाला गाना ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर आने वाला है। या बात करें तो खेसारी लाल यादव का जो नया गाना ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर आने वाला है उस गाने का नाम है पपीता। जी हाँ, बात करें तो पपीता गाना खेसारी लाल यादव का आने वाला है जो कि भोजपुरी चैता बताया जा रहा है। इस गाने को खेसारी लाल यादव और जबरदस्त तरीके की आवाज से भोजपुरी इंडस्ट्री में पहचान बनाने वाली शिल्पी राज ने इस गाने को गाया है। तो खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज के गाने आए तो ये कितनी बड़ी बात हो जाती है। वहीं बात करता हूं तो इस गाने के जो लिरिक्स राइटर हैं वो कृष्णा बेदर्दी हैं। गीत और संगीत कृष्णा बेदर्दी ने ही दिया है। वहीं अगर मैं बात करता हूं इस गाने के म्यूजिक अरेंजर की तो शिशिर पांडे इस गाने के म्यूजिक अरेंजर है। कमलाकांत मिश्रा और पिता मंगरू यादव के द्वारा आशीर्वाद मिला है और निर्माता राजकुमार सिंह है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये गाना जो है 19 अप्रैल को, आज तो 15 है लेकिन 19 अप्रैल को सुबह 6:30 बजे, याद रखिएगा 19 अप्रैल को 6:30 बजे पपीता गाना खेसारी लाल यादव का ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर रिलीज होने वाला है। तो ये अपडेट था, तो मुझे लगा बताना चाहिए, खेसारी लाल यादव ने इसको साझा किया था। तो अपडेट कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़े। अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।